हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बेसन वाली भिंडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये भिंडी बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही चटपटी और मज़ेदार लगती है, तो आप भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए बनाते हैं बेसन वाली भिंडी। तो सबसे पहले मैंने बेसन वाली भिंडी बनाने के लिए एक कढ़ाई में 3 चम्मच सरसों का तेल ले लिया है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो 1 छोटी चम्मच मैं इसमें अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन डालने के बाद मैंने इसमें हींग डाल दी है। अब मैं इसमें 2 बड़ी चम्मच बेसन डाल दूँगी और मीडियम फ्लेम पे हमें इसे हाथ को चलाते हुए जब तक ये ब्राउन ना हो जाए तब तक इसे अच्छे से इस तरीके से भून लेना है। देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें बेसिक मसाले डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच मिर्ची का पाउडर लिया है जिसे मैं इसमें डालूंगी, और साथ ही मैंने इसी चम्मच से 1 चम्मच धनिए का पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी का पाउडर और 1/2 चम्मच अमचूर इसमें डाल दिया है। अब हम 1 से 2 मिनट मसाले भून लेंगे। साथ ही मैं यहाँ पे 250 ग्राम भिंडी इसमें डाल रही हूँ। इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस में हमें इसे कट कर लेना है। अब हम भिंडी को अच्छे से भूनेंगे जिससे कि जो बेसन है वो पूरी भिंडी में अच्छे से मिक्स हो जाए और साथ के साथ हमारी भिंडी बेसन के साथ भुन भी जाए। तो 1 से 2 सेकंड के लिए मैंने इसे मिक्स किया और भून लिया। तो देखिए अब मैं इसमें नमक डाल दूंगी। 2 छोटी चम्मच मैं यहाँ पे इसमें नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक डालने के बाद हम नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नमक मिक्स हो जाने पे हम इसे वापस ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हमें इसे पकाना है और बीच बीच में इसे चेक करना है जिससे कि जो हमारी भिंडी है वो जले ना। 5 मिनट बाद हम देखेंगे कि भिंडी इस तरीके से नज़र आ रही है। देखिए ये बनके तैयार है। भिंडी काफ़ी जल्दी बनके तैयार हो जाती है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे। मैंने यहाँ पे इसमें धनिया डाल दिया है और 1/2 चम्मच से 1/2 चम्मच मैं यहाँ पे गरम मसाला डाल रही हूँ। अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और जो हमारी भिंडी है देखिए वो बिल्कुल बनके तैयार है। 5 से 7 मिनट में ही ये बन जाती है। एक बार आप इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, आपको इसका टेस्ट ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।